अच्छी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। पिंकी शर्मा ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं अरबी के जो पत्ते होते हैं इसके सब्जी बनाने जा रही हूँ मैं। और ये अरबी का पत्ता है, ये बेसन है, इस बेसन में नमक है और मिर्च मिला दिया है मैंने। अभी पानी ऐड करना है और फिर मैं बेसन है अरबी के पत्ते के ऊपर इसे लगा के उसके बाद आपको दिखाती हूँ पूरी रेसिपी। आप बने रहिए। तो फ्रेंड देखो, ये पानी मैं इस बेसन पे ऐड कर लेती हूँ जितना मिलाने का है इतना। इसके बाद मैं आपको सब दिखाती हूँ। अच्छे से मिला लूंगी जब ये बन जाएगा। ज्यादा पतले करने से भी नहीं होगा। और बताइए आप सब कैसे हो। भगवान से हम दुआ करते हैं हमारे यूट्यूब जितने भी भाई है बहनों हैं सब अच्छे और मजे से रहेंगे। बस यही भगवान से दुआ है। तो देखिए हमारा बनके तैयार हो गया है। ये अब मैं इसे अरबी के पत्ते के ऊपर लगाती हूँ। इसके लिए हमारे परात रखना जरूरी है। रात में तो देखिए राइस ये अरबी के पत्ते मैं इसमें बेसन ऐड कर देती हूँ। बेसन लगा के फिर इसको मोड़ा जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ बना के पूरा रेसिपी दिखाऊंगी आज। टाइम काफ़ी लगता है इसमें बनाने में पर टेस्ट बहुत आती है जैसे खाने में। काफ़ी टाइम लगता है बनाने में। देखो तो बन के तैयार। अब दूसरा भी बनाती हूँ। काफी टाइम लगता है गाइस। दूसरा भी तैयार हो चुका है। देखो एक मिनट तो गाइस देखो ये बनके तैयार हो चुका है। अब इसे फ्राई करेंगे और आगे की रेसिपी आपको दिखाती हूँ। अभी किचन में जाके अभी तो मैं कमरा में बैठ के ये बना रही थी तो ये सब लगा चुकी हूँ मैं। देखो अब इसे एक एक करके निकाल के फ्राई करना है पहले तो। तो आप बनी रहिए मेरे साथ। किचन में चलते हैं जी। हमारी किचन है छोटी सी और ये रखा है। अब मैं इस पर कढ़ाई रखती हूँ। नीचे रखा था जी जी कढ़ाई है। कढ़ाई रख देती हूँ। देखो कढ़ाई रख दिया मैंने। सॉरी मोबाइल रखने के लिए। दे दे वो डलिया में रखा है। छोटी छोटी दे दे
गैस जला दिया मैंने और इसमें रखा है रिफाइंड, तो मैंने तेल डाल चुकी हूँ उसमें। इसमें भी और तेल आएगा। तो फ्रेंड मैंने कढ़ाई रख दिया है, इसमें मैंने तेल भी डाल दिया है। आप सोच रहे होंगे जो कढ़ाई इतनी काली क्यों है, क्योंकि जी हमारी इसमें मैंने वो हमारी दीदी थी गुजरात वाली दीदी जो मेरी सिस्टर है वो मूंगफली लेके आई थी, तो मूंगफली चूल्हे जलाए थे हमने, तो चूल्हे पे हमने मूंगफली वो साबुत वाली जो कच्ची मूंगफली होती है उसे फ्राई किया था, तो उसी से काली काली पड़ चुकी है कढ़ाई। तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, काम तो चल ही रहा है। तो चलो आगे की रेसिपी हम दिखाते हैं जी। तेल अभी गर्म हो रहा है, अब हमें इसे फ्राई करना है, अरबी के पत्ते फ्राई करके उसके बाद और भी कुछ दिखाना, बाकी पूरी रेसिपी देखना तो ब्लॉग में बने रहिए। तो चलो हमारी तेल गर्म हो चुकी है और हम इसे डाल देते हैं। देखो इस तरीके से पकते हैं, क्योंकि एक हाथ से फोन पकड़ा हुआ है और एक हाथ से बनाने में ब्लॉग बहुत दिक्कत आती है। कोई बात नहीं है, एडजस्ट कर लेते हैं। आपको साफ कर दूँ, देखो ये बन रहा है अभी और बन जाए जब दिखा। तो गाइस ये अभी फ्राई है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखो कमेंट में बता, मैं सब फ्राई करके और इसे मैंने छोटा छोटा पीस करके काट लिया है और अब मैं इसकी सब्जी बनाती हूँ। तो मैंने मिक्सी में अदरक लहसुन प्याज टमाटर और हरी मिर्च डाल के पेस्ट बना लिया है, जो मैं अब इनको फ्राई करती हूँ। उसके बाद पूरी रेसिपी दिखाती हूँ, बने रहिए आप हमारे साथ। तो फाइनली गाइस मैंने इसमें सारा चीज़ डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सब चीज़ डाल दिया। इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ अच्छी तरीके से, जो मसाले की खुशबू आया एक हाथ से फोन पकड़ के और एक हाथ से खाना बनाना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, फिर भी ट्रैवल करना पड़ता है। बस बन ही चुका है, मसाले में से तेल निकल जाएंगे जब इसको मैं डालूंगी हरदी के पत्ते। किस किस में सब्जी खाए हैं इसके हरदी के पत्ते की कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमने इसको डाल
तो गाइस हमारी अरबी की